अंबिका सोनी जी, not to lay any papers about women's you want me to? As being senior, as being a senior member, I thought I should give you first offer. सर, आज सुबह से हम लोगों ने, सब लोगों ने अखबारें पढ़ी हैं और उन अखबारों में बहुत सी ऐसी महिलाओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है, उन ऊंचाइयों पर पहुंची हैं जहां हम सोचते हैं कि हर महिला को अवसर मिलना चाहिए पहुंचने का। लेकिन आज पूछने का सवाल तो ये है कि क्या वो महिलाएं और उनके परिवार, हम सब जो यहां बैठे हैं, हमको किसी तरह से भी मददगार या सहायक समझते हैं? मेरे सोच में नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है इतने सालों से? आरक्षण का बिल हम इस सदन में तो पारित कर चुके, बहुत कठिनाई से पारित किया, लेकिन पारित किया था, लेकिन लोकसभा में आज तक वो एजेंडा पर भी नहीं आता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर एजेंडा पर आने में देर करते हैं तो कम से कम हम इस सदन में और दूसरे सदन में एक रेजोल्यूशन तो पारित करें कि हम सब प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी बातें आज कही, आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन वो पूरा कौन करेगा, किसकी मदद से की जाएगी? आज महिला सड़क पर चलने से डरती है, अपने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए महिलाओं के मन में खौफ है। आप बताएं वो खौफ दूर कैसे होगा अगर कानून उसके पीछे खड़ा नहीं होगा मजबूती से? नहीं हो सकता। मैं अनुरोध करती हूँ इस आपके जरिए से इस सदन को कि आज के दिन एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम 33% आरक्षण। थैंक यू अंकमा।